दोस्तों क्या आप जानते हैं रेशम का धागा इन कीड़ों को मारकर बनाया जाता है। इन कीड़ों के रेशम निकालने के लिए कीड़ों के साथ बहुत गलत किया जाता है। पहले खरतूश की फसल को कीड़ों के लिए तैयार की जाती है। इसमें से खरतूश के पत्तों को काटकर कीड़ों को लगातार 4 हफ्तों तक भरपेट खिलाया जाता है। इसके बाद रेशमी कीड़े बड़े हो जाते हैं और अपने 3 हफ्तों के लिए सेफ रहने के लिए जाल तैयार करते हैं। लेकिन पहले ही हफ्ते में जाल से निकालकर गर्म पानी में रेशम बनाने के लिए डाल दिया जाता है। जैसे ये खोलते पानी में जाते हैं ये कीड़े तड़पकर अपना दम तोड़ देते हैं। मरने के बाद कीड़े अपनी जान के बदले में रेशम का धागा देकर जाते हैं, जिस धागे को सुखाकर मार्केट में बेचने के लिए अच्छे अच्छे कपड़े बनाए जाते हैं।